वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मनु फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज मैं व्लॉग्स कार से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन पे लेके जाने वाली हूँ जो पुणे के आसपास है। तो हम जा रहे हैं आज खंडाला घाट, लोनावला क्रॉस करके जाएंगे हम। मैं आगे का सारा वीडियो इसमें कैप्चर कर ही लूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम पुणे से बाहर निकल रहे हैं, ये पुणे का रोड है। तो आज अचानक से प्लान बन गया, अभी इवनिंग के 5 बज रहे हैं और हम 5 बजे निकल रहे हैं, तो हमें 1 आवर लगेगा। तो ट्रैफिक नहीं रहेगा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे वहां तक। तो बहुत ब्यूटीफुल सा वेदर बन गया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं खंडाला घाट। तो ये है जी मुंबई पुणे हाईवे, इसकी तो खूबसूरती ही अलग है। मतलब इतना ब्यूटीफुल लग रहा था इस रास्ते से जाते हुए, दोनों साइड से ग्रीनरी और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें मैं सबका इंट्रोडक्शन करवा रही थी कि ये है वो है, तो मैंने वो म्यूट करके मैंने इसको वॉइस ओवर दिया है क्योंकि बाहर की जो आवाज़ है ना वो ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए फिर मैंने वो म्यूट करके मैं बता दूँ कि हमारे सब कौन पर हम 5 लोग जा रहे थे, तो ये मैं इसमें बता रही थी। तो देखिए कितना खूबसूरत मुंबई पुणे हाईवे। इसमें तो मुझे जस्ट एक लॉन्ग ड्राइव करने का भी काफ़ी टाइम मन करता है कि जस्ट जाके वापस आऊँ, बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता है। जाते हुए या मुंबई से पुणे आते हुए ये बीच का जो टनल सफ़र है मुझे सबसे खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने इसका छोटा सा क्लिप इसमें डाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल से लाइट एंड बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर से जाते हुए। म्यूजिक सुनते सुनते आप यूँ ही सफ़र अपना तय कर सकते हैं। बच्चे ट्रैवलिंग में बहुत इंजॉय करते हैं, मायरा भी यहाँ पे बहुत मज़े कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है कि घर से बाहर निकले हैं हम, तो इंजॉय किया जाए, हंस रही है। ये हम लोनावला पहुँच गए, यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया है हमें, कंजेस्टेड रोड होने के कारण थोड़ा स्लो जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे चिक्की के शॉप मिलेंगे, तो अभी तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है रात होने से पहले, तो आते हुए हम चिक्की ज़रूर लेंगे। यहाँ पे मगनलाल चिक्की बहुत फेमस है, आपको दिख रहे होंगे नाम, तो मैं आते हुए ज़रूर खरीदूंगी। ये लोनावला के अंदर के रिजॉर्ट्स है, बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है, यहाँ आके रहो तो मतलब जो बारिश के दिन हैं उसमें आप रह सकते हैं, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम यही रोड से जा रहे हैं तो भी हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो रह के कितना मज़ा आएगा। कैसे लग रहा है आप यहाँ के? बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे देखो रोड भी है नीचे, वाह गाड़ियाँ भी जा रही है। यहाँ से बहुत अच्छा धुआं भी आ रहा है। ओके अभी देखिए मायरा मंजीत मैं और ये हमारे फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया वेदर है, आप जरूर आइए यहाँ पे। मैं तो मतलब मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है लेकिन बहुत टाइम हो गया है। देखिए यहाँ से ना ऐसे वाइट वाइट थोड़ा सा ये आ रहा है, मतलब जो क्लाउड्स होते हैं ना क्लाउड्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, वो देखिए उस साइड
आप अगर देख पा रहे होंगे, मैं ज़रा जूम करती हूँ कैमरा को, तो उस साइड देखिए पूरे क्लाउड्स जो है पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं और घर भी है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप राइट साइड से देख पा रहे होंगे, तो शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैमरा में शायद क्लियर नहीं दिख रहा है। पूरा वेदर ही बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। ये जो उस साइड का व्यू है, वहाँ पहाड़ी में छोटे छोटे आपको घर दिखाई दे रहे होंगे और सारा फॉग से भरा हुआ है, मतलब वो अलग ही एक लगता है। हम लोग जब सिटी में रहते हैं और वहाँ जाके देखते हैं ये नज़ारा, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो उसी तरीके का ये नज़ारा है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो दोनों पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा वाटरफॉल आ रहा है, बहुत क्यूट सा है, अच्छा लग रहा है। इतने पहाड़ी से अभी तो कुछ दिन बाद और ग्रीन हो जाएगा ये सारी चीज़ें, और पहाड़ी उसे सिर्फ वाइट वाइट वाटरफॉल्स आपको बहुत सारे दिखने को मिलेंगे। अभी तो हम बहुत अर्ली गए हुए हैं यहाँ, इसीलिए थोड़ा कम वो व्यू हमें मिला, नहीं तो बाद में तो जुलाई एंड में या अगस्त में तो बहुत ही ब्यूटीफुल मिलेगा। देखिए कितनी भीड़ है, कारें भी बहुत सारी लगी हुई है, और ये है मंजीत और मायरा, यहाँ से भी देख रहे हैं। मंजीत एंजॉय कर रहे हो क्या? Yes, अच्छा लग रहा है। Yes, yes, a lot. बिल्डिंगों से पहाड़ी में आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफी दिन हो गए थे हम आए नहीं थे इस तरह लोनावला खंडाला वगैरह, और अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ, तो अभी तो आना बनता ही है। करेक्ट, पहली बारिश हो चुकी है और मायरा भी बहुत इंजॉय कर रही है। देखिए मायरा कैसे मस्ती कर रही है, क्योंकि व्यू ही इतना खूबसूरत है ना। क्या अभी क्या प्लान किया है? पकौड़ा चाय? यस यस, अभी पकौड़ा चाय, भुट्टा भी है और अच्छा मुझे अमरुद भी दिख रहा है यहाँ पे। लोग तो यहाँ से मतलब हिलने को ही तैयार नहीं, कब से खड़े हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ का हो गया मेरा पॉइंट देख के, अभी मैं जा रही हूँ भुट्टा खाने, पकौड़ी और चाय। तो आपको दिखा देती, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं भुट्टा और चाय के। यहाँ पे हम कांदा भजी खा रहे हैं और चाय का मज़ा ले रहे हैं। इतनी ठंडी में और बारिश में कांदा भजी खाने का मज़ा ही कुछ और है। सब लोग तो ये बारिश के दिनों में, उनको पता ही है सबको कि कैसे लगता है पकौड़ी, मतलब तो आहा, मतलब यहाँ बारिश हो रही है और पकौड़ी खाओ, ये तो एक कॉम्बिनेशन ही है बारिश के साथ, तो बाहर खाने का मज़ा भी कुछ और ही है। तो यहाँ पर हम बातें भी कर रहे हैं कुछ, हमारी इधर उधर की बातें भी निकल रही है तो, और पकोड़े का मज़ा भी ले रहे हैं। मायरा भी बहुत इंजॉय कर रही है, पकोड़ा खा रही है, दे भी रही है, सबको खिला रही है वो, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमें निकलना है लोनावला की तरफ, वहाँ पे जाके मुझे चिक्की भी ख़रीदनी है, तो चलो अभी चाय पी के निकलते हैं लोनावला की तरफ। थोड़ा सा व्यू और मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ यहाँ का, तो कितना बढ़िया, मतलब गाड़ियाँ वगैरह कितनी खूबसूरत दिख रही है यहाँ से आते हुए, लाइट शुरू है फॉग में, तो बट फॉग जो है ना वो बढ़ गया है यहाँ पे, जैसे जैसे शाम हो रही है फॉग बढ़ गया है।
अच्छा लग रहा है, लेकिन जाने का मन नहीं है। आपका मन है क्या जाने का? एक्चुअली मंदिर वैसे तो हम सिख है, उनको उतर के लेके आए हैं हम, बट उनको यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, ऐसे वो बोल रहे हैं लग रहा है ना, क्योंकि देखिए आप खूबसूरती, ऐसा लग रहा है पॉप के अंदर से गाड़ियां निकल रही हैं। ओह माय गॉड, और ऐसे फॉग में मैंने आपको पहले दिखाया था, पर अभी फॉग ना एकदम क्लियर हो गया है, मतलब फॉग ज्यादा बढ़ गया है तो पहाड़ी कम दिख रही है। वाव, ये देखिए पूरी पहाड़ी ढक गई इधर की। जो भी पुणे के मुंबई के लोग है ये इन दिनों बहुत आते रहते हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, हाँ देखो ना ज्यादा फॉग बढ़ गया तो लाइट लगाने की जरूरत पड़ रही है गाड़ी चलाते हुए 7 बजे। वैसे ज्यादा अंधेरा हुआ नहीं है बट फॉग की वजह से शायद दिख नहीं रहा होगा लोगों को, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे रास्ते पे लोग सब खा रहे हैं। बट ये मगनलाल टिक्की यहाँ के फेमस है लोनावला की। देखिए हर जगह आपको टिक्की के शॉप नजर आ रहे हैं। इमली के चॉकलेट, चॉकलेट ठीक ही दिख रहा है। नहीं नहीं इसमें तो सारी शक्कर शक्कर है, इमली के चॉकलेट वो जो आते हैं ना इसके, ये वाले नहीं, ये नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, इसमें शक्कर है ज्यादा, वो नहीं चाहिए, वो जो आते हैं ना इसके यार, वो जेली वाले नहीं आते क्या? जेली वाले नहीं है, जेली वाले है ना, जेली वाले चाहिए, जेली वाले इमली के। फलेरो इमली वाला कितने का कितने का है? 170। बहुत बड़ा है ना, छोटा है ना? छोटा ही है। क्या कहते हो? प्रॉपर मतलब लेना है तो ले लो, बहुत बड़ा है, मुझे छोड़ दो, इतना कोई नहीं खाएगा, छोटा सा डब्बा चाहिए था। 400 रुपया मायरा भी बाय कर रही है लगता है। ये पकड़े ना, अरे पकड़ो, एक और ऐसा टेस्ट करके देख, ज्यादा नहीं है बट वैसे मोई लो, 3 ले लिया अपन ने, अभी एक खाएंगे। हेलो टेस्ट करो, कैसा लग रहा है? खट्टा नॉर्मल है, मतलब शक्कर है लेकिन इसमें, इस बचपन में हम खा रहे थे चम्मच में, वो ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे नहीं है ना चम्मच में, अच्छा हाँ वो लेकिन वो रियल इमली रहता था, हाँ। और उसमें नमक भी डाला हुआ रहता था, खट्टे मीठा लगता था, उसमें नमक भी डाला हुआ होता है क्या आपके पास? आपके पास कहीं तो भी देखा था मैंने, रिमोट चलो महाराण तो बलून ले लिया है। कौन सा चाहिए मायरा? कल भी पिंक लिया था, आज येलो ले लो। क्या दो नहीं चाहिए? ये वाला वापस ले लीजिए, येलो ही दे दीजिए उसको। मायरा दो तो नहीं, क्या तोड़ देगी अभी थोड़ी देर बाद। बिट्टू एक ही ले लो, एक ही ले लो, ये वाला ये ही ले लो, वो दे दो, पिंक दे दो वापस। यहाँ पे हमारा चिकन और परचेस हो गया है, अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको व्लॉग कैसे लगे हैं। आगे आने वाले वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारा हैप्पीनेस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा।
तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।